Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ Venus के transition के बारे में. Venus transit हो रहा है 28 March 2020 को और 1st of August तक Venus Taurus sign में ही रहेगा. यानी ये जो transition है काफी लंबा है और इस time हमें काफ़ी ज़रूरत है इस ट्रांजिशन की, बिकॉज अभी का जो माहौल है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और चारों तरफ लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये बहुत अच्छा है और 28 तारीख को ये होने जा रहा है. और इस पीरियड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा. और शुक्र को जैसे हम जानते हैं कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, सेविंग को, लग्जरी को, फूड को और जो भी हमारी डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ हमें कंफर्ट्स प्रोवाइड करती है वो शुक्र के थ्रू हमें मिलती है. चाहे वो खाना हो गया, चाहे वो कपड़ा हो गया, कैश मनी हो गई, कुछ भी ज़रूरत का सामान जो हम लेते हैं वो शुक्र के थ्रू हमें मिलता है. तो शुक्र का जो ये ट्रांजिशन है टॉरस साइन में, तो टॉरस साइन शुक्र का अपना ओन साइन है और टॉरस साइन का संबंध भी कैश मनी से है, फूड से है. जो भी हम खाना इंटेक करते हैं, जो भी हमारा ग्रोसरी आइटम है, उन सब का संबंध टॉरस साइन से है. तो टॉरस साइन में शुक्र ट्रांजिट हो रहा है तो इसका क्या क्या बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है. लेकिन टॉरस साइन में जो शुक्र ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 28 मार्च को और 30 मार्च के बाद गुरु कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में ट्रांजिट हो जाएगा. तो गुरु जब मकर राशि में ट्रांजिट होगा तो उसका फिफ्थ एस्पेक्ट यानी पांचवी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी. तो गुरु की अगर पांचवी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है. यहां पर गुरु जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था. लेकिन गुरु अगर मकर राशि में है तो कहीं ना कहीं मकर राशि की चीजें भी हमें फॉलो करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि गुरु मकर राशि में बैठा है. मकर राशि से बैठ के गुरु वीनस को देख रहा है यानी शुक्र को देख रहा है. लेकिन मकर जो राशि है उसका संबंध है सिस्टम्स. तो यहां पर जो गुरु का एस्पेक्ट है वीनस के ऊपर वो ये बता रहा है कि चीजें तो आपको मिलेंगी लेकिन एक सिस्टम से मिलेंगी. यहां पर आपको फिजूल खर्चा नहीं करना है, फालतू का खर्चा नहीं करना है. जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं उसको सावधानी से आपको यूज करना है. तो इस तरीके से आपको आगे चलना पड़ सकता है. तो अलग अलग लग्न के ऊपर, अलग अलग राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ. अलग अलग राशियों के ऊपर, अलग अलग लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कहां से हमें मॉनिटरी हेल्प मिल सकती है. तो ये चार्ट थोड़ा सा उल्टा है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस तरीके से इसको डिजाइन नहीं करूंगा तो बहुत सारे चार्ट बनाने पड़ जाएंगे. तो बहुत ही सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे. तो टॉरस राशि और टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में. फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी. यहां पर चीजों को मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी. और अगर आपको फर्स्ट हाउस को समझना है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और जो भी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं. तो यहां पर शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस के थ्रू आपको गेन करवाएगा. फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी. तो आपकी पर्सनालिटी को आपको गेन होने वाला है. एरीज एसेंडेंट या एरीज राशि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में. तो सेकेंड हाउस के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है यानी अपनी फैमिली के थ्रू. और सेकेंड हाउस से संबंधित जो भी आप बिजनेस करते हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उन सब चीजों के थ्रू आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है. पाइसिस एसेंडेंट
यानी मीन एसेंडेंट और मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस यानी आपका डेली का काम, थर्ड हाउस यानी आपका कम्युनिकेशन। तो थर्ड हाउस के थ्रू आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का संबंध है एग्रीकल्चर के काम से। अगर आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं या भूमि से संबंधित कुछ आपका काम है या व्यापार है, तो उन सब चीजों से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। और जो आपके जो पड़ोसी लोग हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके शहर के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उन सब लोगों से भी आपको मदद मिल सकती है। कैप्रिकॉन राशि और कैप्रिकॉन एसेंडेंट यानी मकर राशि और मकर एसेंडेंट वालों के लिए शुक्र गोचर कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस से। और अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपका टैलेंट काम आता है, उन सब चीजों के थ्रू आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। सेजिटेरियस वालों के लिए यानी धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है सिक्स्थ हाउस में। अगर आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो वहां से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। और अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट हो रहा है आपके सेवंथ हाउस में, तो आपको मदद मिल सकती है अपने लाइफ पार्टनर से, आपको मदद मिल सकती है अपने बिजनेस पार्टनर से, या कोई आप अगर बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन सब चीजों के थ्रू भी आपको मदद मिल सकती है। लिब्रा एसेंडेंट और लिब्रा राशि वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में शुक्र आ रहा है। अगर आप कोई डॉक्टर है या कुछ ऐसी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं कि जहां पर लोगों को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो वहां से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। वर्गो एसेंडेंट और वर्गो राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, तो शुक्र गोचर कर रहा है आपके नाइन्थ हाउस में से। अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आप कोई लेक्चरर हैं, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर आप लोगों को टीच करते हो, समझाते हो, तो वहां से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। अगर आप कोई प्रिस्ट हैं, पंडित हैं, तो ये शुक्र का जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लियो एसेंडेंट वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट हो रहा है टेंथ हाउस से। आपके कैरियर के थ्रू आपको मदद मिल सकती है। जो भी आपका काम है, जिस काम से आप जाने जाते हो, उन सब चीजों से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट हो रहा है आपके इलेवेंथ हाउस से। आपके फ्रेंड लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, और जहां से भी आपके इनकम के सोर्सेज जुड़े हुए हैं, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। यानी अगर आप कुछ ऐसा काम करते थे कि जहां पर आप बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बात करते थे, और वहां से आपकी इनकम आती थी, तो वहां से आपके इनकम के सोर्स द्वारा से बन सकते हैं। जैमिनाय वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट हो रहा है आपके ट्वेल्थ हाउस से। ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल्स को, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आइसोलेटेड प्लेसेस को, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मल्टीनेशनल कंपनीज को। अगर ऐसे किसी काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपको मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है। तो शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है 28 मार्च 2020 को, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आप लोगों को मॉनेटरी हेल्प मिल पाएगी। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शुक्र के ट्रांजिशन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शुक्र के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।